तू समरथ अकथ अगोचर, जियो पिंड तेरी रास, रैम तेरी सुख पाया सदा, नानक की अरदास। तू चो सजन मैंडिया, डेई शिष उतार, नैन महिंजे तरस दे, कद पसी दीदार। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी, पवित होए से जना जिनी हर त्याया, हर त्याया पवित होए गुरमुख जिनी त्याया, पवित होए से जना जिनी हर त्याया, हर त्याया पवित होए गुरमुख जिनी त्याया। पवित माता पिता कुटुंब सहत स्यों, पवित संगत सबाइया, कहंदे पवित सुनदे पवित, से पवित जिनी मन वसाया। कह नानक से पवित जिनी गुरमुख हर हर त्याया, कह नानक से पवित जिनी गुरमुख हर हर त्याया। चवर छत्र तख्त दे मालक, तन तन सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाए मान, सत संगी प्यार वाले वडभागे हो गुरु की गोद च बैठ के सतगुरु पातशाह की अमृतमई बाणी नाल आप जी अमृत वेले जुड़े हो। आओ गुरमुखो, सतगुरु साहब की अमृतमई बाणी नाल जुड़ना करिए। सतगुरु साहब की अमृतमई बाणी आनंद साहब की पौड़ी की विचार आरंभ करन तो पहला, गुरु बख्शी फतेह नाल सांझ पाइए, देहो आशीष प्यार नाल आखो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। संसार विच सब तो जिवें जिवें गिणती पापी बंदियां दी वधी है ना, धर्मी बंदियां दा उवें सत्कार वधिया है। जदों पापी ने अपना पाप वधदा देखिया ते पापी नूं अपने पाप दा ही बोझ झलना औखा हो गया, अपने मन दे उत्तों एक बोझ लाउण वास्ते उह कोई सहारा लभदा है, कोई ऐसा आसरा लभदा है जिहड़ा मन दा बोझ हल्का कर दे। कई बार मनुख अपने मन के बोझ नूं हल्कियां करन वास्ते एकांतवास होकर कल्ला बैठना पसंद करता है, अपने आप नाल खुद नाल गल्लां करना चाहता है। अक्सर कई बार इस तरह होता है, कई बार घर च कोई झगड़ा बखेड़ा हो जाए ना, बंदा कहिंदा कुछ समय वास्ते मैनूं कल्ला रहण दिओ, मैं कल्ले ना कुछ समा रहना चाहुंदा। कहन तो भाव बंदा अपने आप नाल गल्लां करना चाहुंदा है। जदों मनुख अपने आप नाल गल्लां करदा ना, वो किते ना किते एहसास करदा अपनी होई गलती दा, किते ना किते उस एहसास विच पछतावा हुंदा है। उस पछतावे दे सदका बाद विच जिहड़ा समां उहदी जिंदगी दा हुंदा है, कुछ वखरेवें वाला हुंदा है, बड़ा वखरा जिहा हुंदा है, समझ वाला हुंदा है, अगां तो ऐसी गलती ना करन दी समझ रखता है। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह कहिंदे इदां दे पता नहीं किन्ने कु बंदे ने, किन्ने कु इंसान ने जिहड़े पापां दे भागी बन के पापां दे राह तुर पए ने,
सही मार्ग तो गुरेज कर गए ने। गुरु नानक साहब ने तो आख्या नानक दुनिया कैसी होई सालक मित ना रहे हो कोई, कोई धर्मी मित्र नहीं रह गया रब ना जोड़न वाला। भाई बंदी हेत चुकाया दुनिया कारण दीन गवाया। संसार दे मनुखां ने दुनिया करके अपना दीन मैंने धर्म गवा लिया है दुनिया की खातिर। तो मेरे सतगुरु सच्चे पातशाह ने जिथे दुनिया हार गई है हौसला ढह गई है छड चुकी है उत्थे महाराज सतगुरु की बाणी बाँह फड़दी है। महाराज कहिंदे कोई गल नहीं घबरा ना चिंता ना कर खलोता पुत मैं तेरे उत्ते। जदों एहो जी मुश्किल ज सतगुरु सहारा दवे फिर सच करके दुनिया का ते निरंकार का एक एहसास मनुख नू चंगी तरह आता भी जिथे सतगुरु ने बाँह फड़नी उत्थे कोई होर फड़ सकता ही नहीं गा। जह मात पिता सुत मीत ना पाई मन ऊहा नाम तेरे संग सहाई। सतगुर सिख की करै प्रतपाल सेवक कौ गुर सदा दयाल। जदों गुरु दयावान हुंदा है ना फिर बख्श लैंदा फिर वह किसी बंदे दे पाप नहीं देखता औगण नहीं देखता। जदों उन्हें बख्शण ते आ जाना है तो फिर सच करके या फिर उन्हें पापी तो पापी बंदे भी तार के रख देने। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की जिहड़ी पौड़ी आपां विचारनी इस गल की व्याख्या करती है पवित्त होए से जना जिनी हर त्याया। वो जन जिहड़े पहला पापी सी पर पवित्र हो गए किदां जिनी हर त्याया जिनी हरि वाहिगुरु नूं त्या लिया। लोगों ने बालमीक नूं सब तो माड़ा आख्या। गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी च शब्द हुंदा भगत रविदास जी का वो कहिंदे लोक उहनूं चंडाल आखदे सी लोकां दे कुत्तियां दा वैरी है कुत्ते बड़े मारदा सीगा शिकारी सी जिहड़ा जानवर आउणा उहने मार देना। लोगों ने सब तो वड्डा पापी आख्या उसनूं। पर जिद्दण अपने सब तो छोटे पुत्र दी जिद्दण मतलब अपने घर विच एक बच्चे दी जिस दिन उस दे पुत्र द्वारा बच्चे द्वारा एक रब दे नाम दी याद बन गई नारायण नाम तो परमात्मा चेते आउण लग पिया उस दिन तो बाद सतगुरु दी बाणी कहिंदी किहे जात ते के पदे अमरियो। कहन तो भाव राम भगत विशेख जिहड़ा सब तो छोटी जात वाला सी ना वह सब तो उत्तम हो गया। नीच जात हर जपत्या उत्तम पदवी पाए। सतगुरु पातशाह ने यह चीज़ का बड़ा सोहना खुलासा किया है कि पतत पावन तेरो नाम पार ब्रह्म। हे मेरे मालिक तेरा नाम पापियों नूं पवित्र करन वाला। एक गल होर भगत रविदास ने जिक्र किया मालिक जे मन ला सी पाप ना कर दे तां तैनूं पतत पावन किन्ने कहना सी। इहदा मतलब यह भी नहीं है कि सानूं सतगुरु की बाणी पाप करन दी खुल दे रही है। महाराज कहिंदे सतगुर जे अणजाण जाने अणजाणे साडे कोलों जे गलतियां पाप गुनाह औगण ऐब होए ना ते असी तेरे को बख्शण हार वास्ते तेरे को बख्शण आए हैं मालिक जीओ तू बख्शिंद सतगुरु है। जे तू बख्शिंद है जो पै हमना पाप करंता अहे अनंता पतत पावन नाम कैसे हुंता। जे असी पाप ना करदे गुनाह ना करदे ते मेरे सतगुरु तेरा नाम पतत पावन किन्ने कहना सी। हम अवगुण परे एक गुण नाही अमृत छाड़ बिखे बिख खाए। गुरु अवगुण उस बंदे दे माफ करदा जिस बंदे ने यह मान लिया भी दोबारा कदे गुनाह नहीं करना एह जे अवगुण एह जे पाप दोबारा नहीं करने। पर कई बार इदा हुंदा गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी एक शब्द आउंदा पाप करे पंचां के बसरे। पाप करदा पंजां वकारां दे अधीन हो के तीर्थ नाए कह सब उतरे।
तीर्थ नहा के कहिंदा भी मैं सारे पाप ला लिया अपने पाप पंजां मकारां दे अधीन कीते ने ते कह रहा भी कल कोई नहीं तीर्थां ते नहा लिया ते पाप मुक गए। तीर्थ नहाए कह सब उतरे कदे गल इत्थे नहीं मुकी बहुर कमावै होए निशंक निशंक हो के फिर कमाने शुरू करते उदा दे बौर कमावै होए निशंक जमपुर बांध खरे कलंक जामा दे राह तुर पिया वो बंदा कलंक तो करके जिस बंदे ने पहला तो क्या महाराज मैं नहीं पाप करता वो नहीं करने। भाई गुरदास ने एक जिक्र किया कहते बिल्ली ने सौं खा ली भी मैं चूहे नहीं खाने पर कहते कमाल हो गई जिदन चूहा देखा सारिया सवं टुट गई ने। भाई गुरदास ने जिक्र कहते कहते जे जो तो मज़ार कहे ना करूँ ना हार मास मूसा देख पाछे दौरे धीर ना तरत है कहते वो चूहे वे के धीरज नहीं तार दी मगर दौड़ पैंती पहला कहते भी मैं सौं खाधी मैं नहीं खाना कह तो भाव की कुछ उदाहरण भाई गुरदास ने दी यहो जे बंदे होंदे दुनिया उत्ते जिहड़े कहते जी जिन्हां ने कई बार सौं खाधियां भी आपां शराब नहीं पीनी कई बार सौं खाधियां होनियां ने पर जदों कदे कोई इहोजा सबब बनता है इन्हों को रहा ही नहीं जाता। सतगुरु भाई गुरदास की बाणी सतगुरु साहब की बाणी इस गल नूं सानूं तरजीह देंदी बंदा पाप करन तों गुरेज नहीं करता नहीं हटदा इन गुरु हटाउंदा है दम कदे दुख दुख आप जस लै असाध। भाई गुरदास कहिंदे भी बंदा कई बार पैसे दे के औगण ऐब गुनाह पाप इकट्ठे करके घर लैके जाता पैसे दे के दमक दे दमक पैसा दमड़ी दमक दे दुख 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 ते दुख होंगे जेडे औगण ऐब दुख शरीरक रोग बड़े शरीरक रोग जेडे ने मानसिक रोग ने दमक दे दुख दुख अप जस हुंदा बेजती लै लैके असाध माड़ी संगत करके दमक दे दुख दुख आप जस लै असाध कहिंदे कमाल होगी बंदा पैसे दे के भी कई बार हुण मान लो जिहड़े बंदे ने पैसे दे के शराब की बोतल खरीदी है सुख थोड़ा घर लैके चलिया वो तो दुख ही लैके चलिया ना कलेशी घर लैके चलिया ना। तो सतगुरु साहब की बाणी कहती भाई गुरदास की गल समझा रहे हैं ना भी बंदा पापी तो इतों तो बन दिया भी मुल पैसे दे के आप घरों पैसे लिया के तो घर दुख लैके जा रहा सुख थोड़ा लैके जा रहा है पतत हो गए बंदे इस तरह इस विधि नाल। सतगुरु की बाणी ने चीज़ नूं समझाया है बंदे बड़े बड़े पापी हो गए सतगुरु ने जो निस्तारा करना एक पल लाया पलों च नबेड़ा कर दिता। नुरंग शाह किसी समय मनिया परमनिया अपने लागे का चौधरी सीगा कई पिंडा का कई जमीन का मालिक सी ते अपना पिता चढ़ाई कर गया ते पिता तो बाद संगत मिल गई दोस्तां मित्रां दी माड़ी ऐसी अयाशी करी है दुनिया का इंतहा तरह का उन्हें को कर्म किया जिस दिन रोगी होया है ना उदन कुरलाया उदन कोई भी नाल नहीं खड़िया सारे दोस्त मित्र भज गए। एक बचन गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी साझा करदे हां महाराज ने एक बाणी जिक्र कहिंदा जिक्र किया कहिंदे मनमुखां की दोस्ती जिहड़ी हुंदी है ना वो माया दे करके हुंदी है जिन्ना चिर किसी को माया आ उन्नी चिर उन्नी देर दोस्ती है माया मुक गई तो दोस्ती खत्म हो जाती है मनमुखां केरी दोस्ती माया का संबंध जिचर पहनण खावने तिचर रखण गंड जिन्ना चिर पहनना ते खाण नूं उहदे कोलों मिलदा पिया ना उन्ना चिर गंढ बना के रखनी है जित दिन किशु ना हो वई तित दिन बोलण गंद जिदन उन्हें ना करती भी हुण है नहीं उहनूं गाला कढ के जानियां कहण तो भाव मनमुखां की दोस्ती ऐसी है
ते गरीब नवाज सच्चे पातशाह दी बाणी ने वड़े वड़े पापियां दा भी उधार किया है। सतगुर ने कदे नहीं आख्या भी यार तू इन्ने पाप किए मेरे को की लैन आ गया, मेरे को नहीं आना। मेरे साहेब गरीब नवाज सच्चे पातशाह पतत पावन ने सतगुर की बाणी के बचन पढ़ते, हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता, हम मूर्ख तुम चतुर सियाने, तू सर्ब कला का ज्ञाता, माधु हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन, निको ठाकुर देसा। असी पापी बंदे, तू पाप खंडन करने वाला है, तू पाप साढ़े मकाउन वाला है। मेरे साहिब सच्चे पातशाह कहिंदे पवित्र होए से जना, पवित्र हो गए ने वह मनुख जिन्नी हर त्याया, जिन्ना हरी वाहगुरु नूं त्याया है, जिन्ना वाहगुरु परमेशर नाल अपना चित जोड़िया, चंगे कर्म करके भी जुड़दा है, चंगी भावना करके भी जुड़दा है, चंगी किरत करके भी जुड़दा है। भाई लालो जी गुरु नानक सजदू के घरे गए ना, तो महाराज आवाज़ दे के दरवाजे च खड़ो के खड़का के कुंडा तो पुछ दिया भी लालो घरें ही है। कहिंदा जी घरें है, की करदा है? उन्हें थोड़ा आख्या मैं चौंकड़ा लाउना, मैं माला फेरदा, मैं तपस्या करदा। उन्हें कहा किले कटदा, लकड़ का कारीगर सी, लकड़ का काम करता। उसने कहा महाराज किले कटदा जी। तो गरीब नवाज सच्चे पातशाह कहिंदे कोई गल नहीं, सतगुरु कहते जिथे किले घड़िया उत्थे जीवन नूं भी कट लै, बस माड़ी जी जाग लाउणी सी। सतगुरु साहब महाराज सच्चे पातशाह ने कृपा कर दिती। एक उदाहरण मैं होर सांझी करदा, फिर अगली विचारदा। एक बार भाई मरदाना जी ने गुरु नानक साहब नूं सवाल किया, मेरे सतगुरु जी एक गल पुछनी है। साहब कहते पुछो। कहते महाराज मैं पुछना चाहुंना, तुसीं किसे नगर विच दो दिन लाउंदे जी, कित एक दिन, कित एक घड़ी पल, कित साल लग जाता, कित दो दो साल भी लग जाते, इन्ना समा महाराज क्यों? सतगुरु साहब कित कित तो आप बड़ा लम्मा सफ़र कढ जाने, कितने कित जो फिर नगर च बैठते हैं कई कई दिन आप जाते नहीं, क्यों? गुरु नानक साहब का जवाब बड़े कमाल है सतगुरु साहब का। पछ कहते वेख मरदाने, लोग जगते हुए दीवे नूं भी दीवा आते, तो बुझे नूं भी दीवा ही आते ने। एक दीवा वो हुंदा है जिन्हों बनाउणा पैंदा, फिर उहदे च वट्टी तेल पा के जलाउणा पैंदा। कुछ थावां, कुछ जगह, कुछ हिरदे ऐसे हुंदे जिहड़ा जिन्हां च दीवा बणिया हुंदा है, बस वट्टी ते तेल पाउणा पैंदा ते फिर जलाउणा पैंदा। कुछ हिरदे ऐसे ने जिन्हां च दीवा भी बनिया, तील भी है, वट्टी भी है, बस माड़ी जलाउण दी लोड़ पैंदी है। जिथे माड़ी जी जलाउण दी लोड़ पैणी है उत्थे समा थोड़ा लगना है, ते जिथे समा ज़्यादा लगना है मतलब उत्थे बिल्कुल हनेरा, उत्थे दीवा बनाउणा पैणा है, बना के तेल वट्टी पा के जलाउणा पैणा है, फिर जाके चानण करदा है तां समा लग जांदा है। सतगुरु सच्चे पातशाह ने बचन किए ने कि सतगुरु साहब ने भाई लालो दे घर जिहड़ा समा गुजारिया ना, भावें थोड़ा समा ही उस वेले पहली बार जो गुजारिया महाराज, क्योंकि पता है भी उत्थे तेल दीवा है, वट्टी भी है, बस माड़ी जी चिणग लाउण दी लोड़ है, उन्हें जग पैना है। कुछ हिरदे रब नाल पहला जुड़े हुए सीगे। सौदा तोलन वाला सिर ते पंड बन्नी सौदे दी तुरिया जांदा है। गुरु नानक साहब महाराज सच्चे पातशाह ने उन्हें खिलार लिया, तो गरीब नवाज पुछदे कहिंदे भी सौदा की उन्हें दस्सिया भी आ सौदा वेचदा, कि वट्टे कहड़े ने तेरे को, उन्हें वट्टे विखाते, पत्थर के वट्टे सी विखाते। साहब ने जिहड़ा सब तो छोटा वट्टा वह कित्थे है, पाइया का वट्टा कित्थे है? वह आंदा जी जेब विच पाया। वह क्यों पाया? कहिंदे छोटा है, डिगना पवे तां करके पाया। पातशाह गुरु नानक सुने धन है पाइया, वो कहते धन पाइया किवें महाराज? कहते छोटा है ना तो कीमती है, तो जड़ा छोटा आ जड़ा कीमती तुसी अपनी जेब च रखिया, बाकी जड़े वड्डे ने तुसी वो आख्या कि कोई गल नहीं, तुसी पत्थरां नू अपने तरीके ने रखिया होया अपनी पंड च बन के,
छोटा आ जेब च पा के रख्या होया इहदा मतलब है जिहड़ी चीज़ कीमती होवे भावें छोटी भी आकार की होवे वह चीज़ सामभ के रखी जाती है। तो गुरु नानक साहब महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे भी इस करके जे तू सौदा भी वेचना है ना इस पाइए वट्टे वांग बन के जीवन का निर्वाह भी कर लै। उन्हें कहा सतगुरु वट्टे वांग किदां कहिंदे छोटा हो के नीवा हो के झुक के निमाणा बन के अपनी किरत कर लै मालक इहदे नाल ही तेरे च रीझ जाएगा। सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह ने इदां दे बंदियां दा भी उधार कर दिता जिहड़े जिन्हां नूं जानदिआं जानदिआं गुरु नानक साहिब ने चिणग लाती बहुता समां हड़ा रुके सी वट्टियां वालिआं को सौदे वाले को महाराज जांदिआं जांदिआं इन्ने च गुरु साहिब ने उहदा भला कर दिता। किते ना किते सतगुरु गुरु गरीब नवाज सच्चे पातशाह नूं कई कई साल रुकना पैंदा है। इस तरह सतगुरु पातशाह जी जिथे कई कई समां रुकना पैंदा उत्थे पापी बंदे ज़्यादा ने को कर्म वधेरे वधिया होया है। गुरु साहब ढाके च आसाम च काफ़ी समा रुके ने क्योंकि पाप ज़्यादा सी कई थावां ते तां राजे भी पापी बन चुके सी प्रजा ते होनी होनी राजे भी पापी बन चुके सीगे। तो सतगुर ने किते उदा किते उन्हां नूं ये थोड़ा कहा तुसीं राज भाग छड्ड दिओ तुसीं किते आ परजा ही मार दिओ ना बंदियां दा भला कीता पवित्त होए से जना जिन्नी हर ध्याया। गुरु नानक साहब महाराज जदों उड़ीसा विच विचरदे पए सी ना भवनेश्वर दे इलाके विच विचरदे सी उत्थे एक राजा सीगा। भवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है उधर गुरु नानक साहब विचरदे ने। अमरकंटक एक अस्थान अमरकंटक दे लागे छोटा जिहा जगन्नगर वसदा सी उत्थों दा एक राजा सी राजा सीगा कृष्ण चंद शायद उदो करके कई रामचंद करके भी नाम उहदा लिखते ने। रामचंद राजा जिहड़ा है ना इहदे तों इहदी प्रजा बड़ी दुखी है पाप करदा सी को कर्म बुरे तो बुरे करदा सी। इहने होरां नूं भी नाल ला लिया वजीर छोटे सिपाही सिपे सलार सारे इहदे वल वेखदे वेखदे एक नहीं दो नहीं सारे इहदे जिहड़े प्रजा दे बंदे सीगे जां इहदे राजमहल दे जिन्ने अधिकारी सी सारे तो सारे विगड़ गए। एक दिन उह बावरा हो जांदा पागल हो जांदा है रामचंद की दुनिया दे इन्ने बुरे तो बुरे कर्म कर ले ने मत मारी गई है। एक दिन रोंदा आ कलपदा आ मन नूं सुकून नहीं है चैन नहीं है टका नहीं है तड़पदा है अपने परिवार नूं अपनी पत्नियां नूं राणियां नूं बेनतियां तरले लै लै करदा कोई रब दा फकीर मिलाओ मैनू मेरे मन नूं सुकून मिले किते मैं इन्ने कर्म बुरे कर चुका हाँ इन्ने लोगों का कतल कर चुका हाँ इन्नियां बच्चियां लड़कियां धीआं मार चुका सीगा कोई कर्म कर करके कि उहदे पापां दे बोझ ने उस बंदे नूं इन्ना ज़्यादा दब दिता सी कि उह तड़पदा सी राज भाग तक जांदा रहा किते पासे तां तड़पदा सी ते कोई तां कोई मेरा उधार करे। गरीब नवाज धन गुरु नानक साहिब महाराज जी सच्चे पातशाह कोल उहदे अहलकार उहदे परिवारक सांझक बंदे पीरां फकीरां को दुआवां कराउंदे कराउंदे गुरु नानक साहिब महाराज कोल भी पहुँच जाते। कहिंदे फकीर जी साडे इलाके दा जिहड़ा राजा आ वो इन्ना को बावरा हो गया कि वह हुण राज भाग भी नहीं सांभ सकदा ते महाराज कृपा करके उहदी दुआ ही कर दिओ साहिब जी उहनूं मिलदे आ दुआ कानू करनी उहनूं मिल के आउंदे आ। धन गुरु नानक साहब महाराज सच्चे पातशाह जी उहदे कोल जांदे कोल गए ने ते उहदे राणी ने आख्या भी तैनूं कोई फकीर मिलन आया वो बड़ा ही चाच चढ़िया तड़पदा तो जरूर सीगा भी पर कहिंदा भी कमाल होगी मैनू भी कोई फकीर मिल सकता है जिहड़े फकीर नूं मैं कदी कोई अदब नाल शब्द नहीं सी बोलिया मैं कदे किसी का चंगा नहीं सी कीता जो कोई फकीर मेरे घर किवें आ सकदा
ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਅੱਖ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਐਂ ਗਦ ਗਦ ਖੋ ਕੇ ਅਤੇ ਰੋਇਆ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਆ, ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਢਹਿ ਕੇ ਰੋਇਆ। ਇਹ ਫਕੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਇੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੀਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੇ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਅਸਲ 'ਚ ਪਛਤਾਵਾ ਇਹ ਹੈ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਨਾਹ ਦੀਆਂ, ਪਾਪਾਂ ਦੀਆਂ, ਐਬਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ, ਇੱਕ ਪਲ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਅੱਖ ਦਾ ਹੰਝੂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਦੇ ਪਛਤਾਵੇ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ, ਜੇ ਅੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਹੰਝੂ ਸੱਚ ਦੇ ਪਛਤਾਵੇ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਹੰਝੂ ਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਢਹਿ ਪਿਆ, ਕਲ ਪਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੜਫਦੇ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਕੁਛ ਰੋਗ ਸਰੀਰ ਕੈਸੇ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਜੀਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਵਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚੱਲ ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਲਏ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕਰੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਸਿਰਿਆ ਉਹਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲ ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ, ਹੱਥ ਤਾਂ ਮੱਥੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਕੋਲੋਂ ਬਖਸ਼ਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਐਸੀ ਗਲਤੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਬਖਸ਼ੇ, ਤੇਰੇ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ੇ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁੱਖ ਦੇ। ਤੇਰੇ ਗੁਨਾਹ ਰੱਬ ਉਸ ਦਿਨ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਪਰਜਾ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਲਈ ਪਾਪਾਂ 'ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪਰਦਾ ਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਪਰਜਾ ਤੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਰੁਕੇ ਨੇ, ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਹੋਈ, ਸਮਝ ਹੋਈ, ਰਾਜਾ ਹੋਸ਼ ਟਿਕਾਣੇ ਲਿਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ ਪਰਜਾ ਫਿਰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਐਸੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਮ ਬੁਰੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਚੰਗੇ ਰਾਜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਹਦੀ ਬਦੌਲਤ? ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਹਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਕਰਕੇ। ਪਵਿੱਤ ਹੋਏ ਸੇ ਜਨਾ ਜਿਨੀ ਹਰ ਤੇ ਆਇਆ, ਹਰ ਤੇ ਆਇਆ ਪਵਿੱਤ ਹੋਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੁੱਖ ਕਰਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਕੀਤੇ ਆ, ਮੁੱਖ ਗੁਰੂ, ਮੁੱਖ ਗੁਰੂ। ਅਤੇ ਉਦਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੁੱਖ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ, ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੁੱਖ ਕਰਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਵਿੱਤ ਹੋਏ ਸੇ ਜਨਾ, ਪਵਿੱਤ ਹਰ ਤੇ ਆਇਆ ਪਵਿੱਤ ਹੋਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਿੰਨੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੁੱਖ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ। ਪਵਿੱਤ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੁਟੰਬ ਸਹਿਤ ਸਿਉਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਪਵਿੱਤਰ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ, ਤਰ ਗਏ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ, ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਪਿਓ ਹਰ ਜੈਸੇ। ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਕਹਿਦਿਆਂ ਹੋਰ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਸਮੁੱਚੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈਗੀ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਦੋ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ, ਧਰੂ ਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦਾ। ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਉਮਰ ਦੇ ਪੰਜ ਪੰਜ ਸਾਲ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਪਿਆਰੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਧਰੂ ਵਰਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਵਾਂਗ ਲੈ,
ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਵਿਦਾਸ ਵਾਂਗ ਲੈ, ਕਬੀਰ ਵਾਂਗ ਲੈ। ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਪਿਓ ਹਰ ਜੈਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰੂ ਵੀ ਉਮਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਵੀ ਉਮਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਬਾਲਕ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਉਦੋਂ ਬਾਲਕ ਬਣ ਜਾ, ਬੱਚਾ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਐਬ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਵਲ ਛਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੁਵੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ, ਅਤੇ ਵਲ ਛਲ ਛੱਡ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹਿਰਦਾ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਬਣਾ ਲੈ, ਸਵਾਸ਼ਰ ਦਾ ਨਿਮਾਣਾ ਬਣ ਜਾ, ਛੋਟਾ ਬਣ ਜਾ। ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਪਿਓ ਹਰ ਜੈਸੇ, ਇੱਦਾਂ ਧਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮਾਤਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਨੇ ਉਹ ਮਾਵਾਂ, ਪਿਤਾ ਕੁਟੰਬ ਸਹਿਤ ਸਿਉਂ, ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਕੁਟੰਬ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸੰਗਤ ਸਬਾਈਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਤਰ ਗਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੁਟੰਬ ਸਹਿਤ ਸਿਉਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸੰਗਤ ਸਬਾਈਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਿਆਲਕੋਟ ਬਾਬੇ ਦਾਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਬਾਬੇ ਦਾਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਬਿੰਨਾ ਅੱਗੋਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਬੇ ਬਾਬੇ ਦਾਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਬਾਬੇ ਦਾਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਐਸੀ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕੁੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਬੇ ਦਾਸੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਤਿਕਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੁੱਲਾਂ ਹੀ ਤਰ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਭਗਤ ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀਗਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ, ਉਸ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਘਮੰਡ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਹਰਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਊਠਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਭਾਰ ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਰ ਜਾਏ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਿੰਦ ਬ੍ਰਹਮਦੱਤ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮਦੱਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਐਡਾ ਕੁ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤੀ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਰਹਿਣ ਹੀ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਲੋਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਟਨ ਸਾਹਿਬ ਉਚਾਰਿਆ ਸੀਗਾ ਪੰਡਿਤ ਬ੍ਰਹਮਦੱਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋ ਕੇ। ਪੰਡਿਤ ਬ੍ਰਹਮਦੱਤ ਨੇ ਐਸੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਬੜੇ ਗੌਰੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰਕੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪੰਡਿਤ ਬ੍ਰਹਮਦੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅੱਗੋਂ ਹੋਇਆ ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਸੰਭਾਲਦਾ। ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅੱਗੋਂ ਹੋਇਆ ਅੜੂ ਰਾਮ, ਅੜੂ ਰਾਮ ਨੇ ਫਿਰ ਐਸੀ ਸਿੱਖੀ ਸੰਭਾਲੀ, ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਅੜੂ ਰਾਮ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਪੰਡਿਤ ਅੜੂ ਰਾਮ ਦਾ ਗੋ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਪੰਡਿਤ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਦੱਤ। ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਦੱਤ ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਪੰਡਿਤ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਦੱਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਇਸ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਡਿਤ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਪੰਡਿਤ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਦੱਤ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ,
यही बाकियों प्रेर के गुरु तेग बहादुर साहब को लैके आया कि तुम जिथे मर्जी दौड़ लो तुहाडी बाँह गुरु तेग बहादुर साहब तो बिना किसी ने नहीं फड़नी। प्रेर के वह लिया तो पंडित कृपा राम दा पुत्र सी सनमुख सिंह, भाई सनमुख सिंह दत्त जिन्हों कहते कृपा राम दत्त जिहड़ा सी कृपा सिंह दत्त कृपा सिंह बनता है उहदा पुत्र सनमुख सिंह बनता है। दोनों ही प्यो पुत्र चमकौर की गढ़ी के शहीद ने कृपा सिंह ते सनमुख सिंह। इस करके सतगुरु महाराज की जे एक बार बात किसी ने सुनी है ना गुरु की तो उन्होंने कुल्ला उन्होंने पीढ़ियां उन्होंने परिवारों का परिवार ही गुरु सच्चे पातशाह ने उधार कर दिता है तर गया। पवित्त माता पिता कुटुंब सहित स्यों पवित्त संगत सवाइया कह दे पवित्त सुन दे पवित्त से पवित्त जिनी मन वसाया। रब का नाम कहण वाले पवित्र सुन वाले पवित्र हो गए वह भी पवित्र हो गए जिन्हों ने मन में परमेश्वर का नाम वसाया है। कह नानक से पवित्त जिनी गुरमुख हर हर त्याया। नानक जी कहते हैं वह भी पवित्र हो गए जिन्हों गुरमुखा ने हरी वाहगुरु में परमेश्वर को त्याया है। किसी तरीके नाल भी कोई किरत विहार कार विहार करदे हां रब रब करदे हां अपने मालक नूं रिझा लैंदा है कोई। गुरु हरगोबिंद पातशाह जी दे कोल भाई बूला जी ते भाई पांधा जी आ गए। सतगुरु पातशाह जी को 6 महीने बाद सेवा करन आए सी फसलवाड़ी बीज आए सी परिवार नूं बच्चियां नूं जिम्मेवारी फसलवाड़ी दी दे के सोच के भी चलो आपां कुछ कुछ समा गुरु साहब के दरबार च सेवा कराने मुड़ के फसल सामभ लाँगे आण के अमृतसर साहब वो आए। एको ही पिंड के दोवें जाने सीगे है दोवें मित्र ने बड़े प्यारे एक पढ़िया लिखिया पांधा पढ़िया लिखिया आ जिहड़ा भाई बूला आ वह वैद आ। दोनों जाने आ गए गुरु हरगोबिंद पातशाह के चरण नमस्कार की सतगुरु पातशाह जी नूं आखन लगे महाराज सेवा दसो साहब ने की जाण दिओ। कहिंदा महाराज मैं वैद हाँ ये पांधा पढ़ाउण वाला है ते कहिंदे बहुत चंगी गल है। सतगुरु कोल इन्नी गल च रीझ गए सीगे गुरु ने दोवां को सेवावां लै लईआं एक पढ़न पढ़ाउण लग पिया एक वैदगी सिखाउण लग पिया सिखां नूं। गुरु साहब इन्हां दोनों ते त्रुट पए माफ की कोई अपनी चंगी किरत करके भी गुरु नूं रिझा लैंदा पातशाह ने कृपा कीती है जी। कह नानक से पवित्त जिनी गुरमुख हर हर त्याया। वह गुरमुखां ने जिन्हां गुरु वल मुख करके परमेश्वर नूं त्याया है पवित्र हो गए। पातशाह ने कृपा की पौड़ी की विचार करदियां होईआं बेअंत प्रकार दीआं भुल्लां दी खिमा बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की।